बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इन लेक्चर नंबर 20। लास्ट लेक्चर में हमने NFA कोरस्पॉन्डिंग टू द यूनियन ऑफ FAs की एग्जांपल्स देखी, और उसके बाद हमने नया मेथड पढ़ा जिसमें NFA कोरस्पॉन्डिंग टू द कैनकेटिनेशन ऑफ टू FAs एग्जांपल्स जो हैं वो हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको अच्छे तरीके से कंसिडर कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर में हम तीसरा मेथड जो था कि वो हम आज स्टार्ट करेंगे कि NFA कोरस्पॉन्डिंग टू द क्लोयर ऑफ NFA, कि एक FA का अगर हम क्लोयर बना के NFA बनाना चाहें तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, आज हम ये पढ़ेंगे और जाहिर है उसकी कई एग्जांपल्स भी देखेंगे। इट सीम्स दैट सिंस क्लोयर ऑफ NFA एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग, ये बात हमें पता है कि एक FA जो है अगर उसका क्लोयर लिया जाए तो वो एक नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। सो द रिक्वायर्ड NFA मे बी ऑब्टेन कंसिडरिंग द इनिशियल स्टेट ऑफ गिवन द FA टू बी द फाइनल स्टेट एज वेल, बट दिस मे अलाउ ए अनवांटेड स्ट्रिंग टू एक्सेप्ट एज वेल। एक बात जो शुरू में हम देखते आए हैं, बल्कि अप्लाई भी की है हमने, कि जो FA की इनिशियल स्टेट होती है उसी को अगर फाइनल बना दिया जाए तो नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है, यानी वो नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी उसमें। लेकिन ऐसा करने से कुछ और अनवांटेड स्ट्रिंग भी उसमें एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगे जो कि हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। हम तो वही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो लैंग्वेजेस को बिलोंग करती हैं, लैंग्वेज को बिलोंग करती हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेट को फाइनल बनाने की कोशिश करेंगे तो उसमें नल स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ और भी ऐसी स्ट्रिंग्स अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगी जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इस स्टेप से हमारा ये जो मामला है वो हल नहीं होगा, हमें कुछ और देखना पड़ेगा। एग्जांपल देख लें कि मैं जो कहना चाह रहा था कि अगर फर्ज करें FA विद टू स्टेट है, वो एक्सेप्ट कर रहा है स्ट्रिंग सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ऐसी लैंग्वेज है जो कि ए पे एंड हो रही है। तो अगर आप फर्ज करें इनिशियल को फाइनल बना देंगे तो इसके अलावा अनवांटेड स्ट्रिंग भी उसमें एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी जो कि एंडिंग विद ए नहीं होंगी। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें, इसका FA बना लें और उसको फाइनल स्टेट इनिशियल को बना के देख लें, तो उसमें सिर्फ एंडिंग विद ए वाली नहीं बल्कि नल स्ट्रिंग के अलावा और भी कई स्ट्रिंग जो एंडिंग विद बी और इसके अलावा और भी कई स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि हमें ये इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो अब हम उसका मेथड जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई इसका क्या सलूशन है। Thus, to accommodate this situation, they introduce an initial state which should be as the final state so that the null string accepted. करना हमने ये है कि हमारा जो FA होगा उसके अंदर जो initial state है वो तो है, इसके अलावा हमें एक और state additional बनानी है और उसको हम initial भी कर देंगे और final भी कर देंगे, तो वो null string तो accept हो जाएगी and connect with the state originally connected to the old start state with the same transition to old start state. अब हमने वो जो नई स्टेट एडिशनल हमने इंट्रोड्यूस की है जो कि इनिशियल और फाइनल होगी, उसको हमने FA की पुरानी इनिशियल स्टेट की कोरस्पॉन्डिंग A और B के लिए जो भी ट्रांजिशन होंगी उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ऐसा काम हम पिछले मेथड में भी कंकेटिनेशन में भी किया है, यूनियन में भी किया है, यहाँ भी कुछ वैसा ही होगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कर हम ये रहे हैं, एक नई इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस की, उसको इनिशियल और फाइनल बना दिया। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि उस एडिशनल स्टेट को हम पुरानी इनिशियल स्टेट के साथ हम कनेक्ट करेंगे, और किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, कोरस्पॉन्डिंगली जो उस इनिशियल स्टेट पर ए और बी की ट्रांजिशन होगी उसके मुताबिक। देन रिमूव द नेगेटिव साइन ऑफ द ओल्ड स्टार्ट, तो क्योंकि हमने इनिशियल स्टेट और बना ली है एडिशनल, तो हम जो पुरानी इनिशियल स्टेट होगी उसका साइन भी रिमूव कर देंगे, एंड इंट्रोड्यूस द न्यू ट्रांजिशन फॉर द ईच लेटर एट द फाइनल स्टेट इंक्लूडिंग विद द फाइनल स्टेट विद दोज कनेक्टेड विद द ओल्ड स्टार्ट स्टेट
This creates the non-determinism and hence the result is the required NFA. तो बाकी इसमें जो अगला जो काम हमने करना है, एक तो ये काम हो गया, दूसरा हमने एडिशनल ट्रांजिशन भी कुछ करनी है जो कि फाइनल स्टेट के साथ होंगी, और वो क्या होंगी, उनमें हम ये करेंगे कि जो भी फाइनल स्टेट यानी हमारे पास जो स्टार्टिंग स्टेट है उसकी और भी ट्रांजिशन हमें आगे लेके जाएगी, उसी के मुताबिक हम करेंगे। लेकिन ये अब मैं एग्जांपल से वाजे करूँगा कि ये कैसे काम हो रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हम यहाँ पे एक एफए यूज़ कर रहे हैं। इसमें अब आप देखें हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है और ये हमारी फ़ाइनल स्टेट है। तो यहाँ पे हम इसको फाइनल नहीं बना सकते, बल्कि हम इसके लिए वही एक एडिशनल स्टेट और लगाएंगे इनिशियल, इसका साइन रिमूव करेंगे और इसके लिए जो ए और बी की ट्रांजिशन है वो हम उसके साथ अकोमोडेट करेंगे। देन जो है इसकी भी एडिशनल स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम आगे चलते हैं। कंसीडरिंग द स्टेट वन टू द एज द फाइनल स्टेट एंड विल अलाउ टू अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, तो इसको हम फाइनल नहीं बना सकते। हैज द रिक्वायर्ड एनएफए कंस्ट्रक्टेड इंट्रोड्यूसिंग द न्यू इनिशियल स्टेट शोन बिलो। यहाँ पे देखें हमने ये नई एक स्टेट बनाई और इसी को हमने इनिशियल और फाइनल कर दिया। अब यहाँ पे इसका जो इनिशियल साइन है वो हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे आपने ट्रांजिशन इसकी कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप बी रीड करते हैं तो आप कहाँ पे रहते हैं, इसी पे रहते हैं वन पे। तो मैंने यहाँ से बी रीड करके उसको वन के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ से जब आप ए रीड करते थे तो आप कहाँ जाते थे, टू पे जाते थे। तो मैंने इसको कॉरस्पॉन्डिंगली ए रीड करवा के भी टू की तरफ मूव कर दिया। तो ये देखें ये इसके साथ एक स्टेप तो हमारा ये हो गया। अगला स्टेप हमारा है फाइनल स्टेट की एडिशनल ट्रांजिशन कैलकुलेट करना। ये भी करना ज़रूरी है क्योंकि अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसको भी मैं बताया ये आप लास्ट एफ ए देख लें कि इसमें ए और बी के लिए आप यहीं रहते थे और अब मैंने ए और बी के लिए तो यहीं पे हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि आप इस स्टेट के ऊपर ए को रीड करके आप टू पे जाते थे, तो आपने इसके लिए जो एडिशनल ट्रांजिशन देनी है कि ए को रीड करके आप टू पे जाएंगे, ठीक है। क्यों, ये इंटरमीडिएट देनी है एडिशनल ट्रांजिशन, अदर क्योंकि हमने वापस भी तो आना है फॉर ये, क्योंकि क्लोयर है। तो क्लोयर में आप स्ट्रिंग एक्सेप्ट एक से ज़्यादा अगर करवाना चाहते हैं तो यहीं पे आके तो नहीं रह सकते, हम वापस भी तो जा सकते हैं। तो क्लोयर में, क्लोयर वाले एफएज में हम बार बार ये चीज़ देखते आए हैं कि हमें अनलिमिटेड स्ट्रिंग जो है यानी इन्फिनिट स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं उसमें। यहाँ पर आप देखें कि ये वन पे मैं ए को रीड करके टू पे आता था, इसीलिए मैंने थ्री पे ए को रीड करवा के एक पाथ मैंने टू पे दे दिया। इसी तरह वन पे बी रीड करके मैं वन पे रहता था, इसलिए मैंने यहाँ से बी को रीड करवा के मैंने वन पे जो है वो दोबारा कनेक्ट कर दिया। तो ये दोबारा कनेक्ट के भी आप ए रीड करवा के यहाँ दोबारा भी आ सकें, यहाँ से बी रीड करवा के आप दोबारा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकें। तो ये इसका क्लोयर आपको नज़र आ रहा है। अब आगे एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे आपके पास एक फॉलोइंग एफए है। अगेन यहाँ पे अगर आप इसका इसी को फाइनल बना देंगे तो वही अनवांटेड स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगी, लेकिन हमने वो जो मेथड पढ़ा है उसको फॉलो करेंगे। तो उसको फॉलो करने के बाद एक एडिशनल स्टेट का इजाफा होगा, उसको हम इनिशियल और फाइनल बनाएंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी ट्रांजिशन कैलकुलेट करेंगे। तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने उसका एनएफए बना लिया क्लोयर का, क्लोयर बना के। तो यहाँ पे अब आप देखें मैंने इनिशियल स्टेट एक एडिशनल स्टेट लगाई, उसको मैंने इनिशियल और फाइनल कर दिया, इसका इनिशियल साइट वाला साइन रिमूव किया और इसकी ट्रांजिशन के मुताबिक मैंने इसको कैलकुलेट किया। यहाँ पे अब आप देखें बी को रीड करके आप वन पे रहते थे, तो मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ से ए को रीड करके आप टू पे जाते थे, इसलिए मैंने इसको भी ए को रीड करके टू के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अगेन एडिशनल ट्रांजिशन भी मैंने कैलकुलेट करनी है इसके लिए, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि वन पे मैं यानी दोबारा वापस जाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि वन के लिए मैं ए को रीड करके मैं कहाँ जाता था, टू पे। तो मैं अब टू के लिए ऑलरेडी यहाँ पे लूप लगा हुआ है ए वाला, तो मैं अब यहाँ दोबारा तो लूप नहीं लगाऊंगा ए के लिए, तो मैं यहाँ पे पहले हूँ।
यानी ए के लिए आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही लेटर के लिए आप दो ट्रांजिशन एक ही पे दें, यानी एक लूप बनाएं उसके लिए कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले ही वो ट्रांजिशन मौजूद है। दूसरी देख लें कि मैं यहाँ से बी को रीड करके कहाँ पे जाता था, ऑफकोर्स यहीं रहता था वन पे, तो मैं यहाँ से बी को रीड करके मैं पहले ही यहाँ पे पाथ दिया हुआ है उसका, तो मैं दोबारा तो पाथ नहीं दे सकता बी के लिए, ऑफकोर्स यहाँ पे पहले पाथ मौजूद है। लास्ट वाले जो एफ ए में था उसमें ज़रा उसका बिहेवियर चेंज था, इसलिए आपको नए एरोज लगाने पड़े थे। यहाँ पे क्योंकि पहले से ही एरोज मौजूद हैं बी के लिए और ए के लिए, इसलिए इसकी एडिशनल ट्रांजिशन यही बनती हैं, और तो इसमें कोई एरो का लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसलिए ये अब कंप्लीट एफ ए है, यानी कंप्लीट एन एफ ए है फॉर द फॉलोइंग, यानी एफ ए जो हमारा क्लोयर था उसका। तो ये आप देखें कि काफ़ी आसानी से मैंने ये अचीव कर लिया है। तो एक और एग्जांपल देख लें जी, यहाँ पे अब आप देखें कि ये एफ ए हमारा है, इसको इनिशियल और फाइनल मैंने बनाया। ए और बी के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और थ्री पे जा रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पे वही ये इसमें आप देखें कि नॉट ओनली एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग बट एवरी स्ट्रिंग एज वेल, तो इसमें हर स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट हो रही है, नल स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें बाकी कोई स्ट्रिंग यहाँ ए और बी एक्सेप्ट हो रही है, यहाँ से फिर ए और बी के जाके यहाँ पे, यानी ए और बी भी एक्सेप्ट हो सकता है, नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो सकती है। तो इसके लिए जो अब एन आप एन एफ ए बनाएंगे एफ ए स्टार करके, वो क्या बनेगा, वो अब आप देखें क्या हुआ। एक तो मैंने यहाँ पे इनिशियल एडिशनल स्टेट इसकी नहीं दी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आप देखें इनिशियल और फाइनल स्टेट है, तो वो तो मैंने नहीं दी, वो तो इसमें आएगी नहीं। बाकी जो दूसरी स्टेट है यानी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे अब आप देखें यहाँ पे ए को रीड करके आप यहीं पे आते थे ए और बी के लिए, ए के लिए भी यहीं आते हैं बी के लिए भी यहीं आते हैं, तो एक लूप लगेगा ए और बी के लिए। तो यहाँ पे देखें मैंने वो लगाया लूप, क्योंकि ये अब एडिशनल ट्रांजिशन में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ए और बी के लिए यहाँ पे लूप आ जाएगा। बाकी इसमें आगे कोई चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ और बी के लिए तो पहले ही पाथ मौजूद है, यहाँ से भी आप जा सकते थे इधर, तो यहाँ पहले ए और बी के लिए पाथ है, तो हम अगला पाथ नहीं देंगे। तो देखें मैंने हर किस्म के यहाँ पे एफ ए डिस्कस कर लिए हैं, तो अब वक्त है इसको आप एन असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट नंबर 4 जो है आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, करना आपने ये है कि आपको यहाँ पे एफ ए दिया जा रहा है जिसमें ए और बी तो ट्रांजिशन नहीं है बल्कि 0 और 1 रखा है मैंने यहाँ पे, तो ये कोई मसला नहीं है आपके लिए, हमने इस तरह के एफ ए भी बनाए हैं पहले। तो आपने इसका क्लोयर फाइंड करना है एफ ए स्टार, और इसका इसको एन एफ ए में कन्वर्ट करना है। तो 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट है, इससे पहले आप सबमिट करवाएंगे इस ईमेल एड्रेस पे। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि असाइनमेंट जो है वो सारे इस ईमेल के ऊपर ही सबमिट करवाएं, कोई व्हाट्सएप पे भेज रहा होता है, कोई कहाँ पे भेज रहा है, और कोई स्केड्यूल नहीं है, तो इस टाइम पे ही आपने सारी असाइनमेंट्स जो हैं वो इस ईमेल पे भेजनी है। व्हाट्सएप पे फॉलो कोई नहीं करेगा, और जो स्टूडेंट्स ऐसे ही भेज देते हैं व्हाट्सएप पे तो वो अवॉइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने एन एफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू द क्लोयर ऑफ एफ ए देखा है, और उसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी हैं, आपको एक असाइनमेंट भी दी है। तो यहाँ पे जो हमारा वो एन एफ ए वाला टॉपिक चल रहा था और बाकी जो मेथड्स चल रहे थे वो कंप्लीट हुए। तो अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।